कौमी कारकुनन के आजाद कयो, सिंध जे कौमी कारकुनन के आजाद कयो, सिंध जे शागिर्दन के आजाद कयो, सिंध जे वकीलन के आजाद कयो, सिंध जे उस्तादन के आजाद कयो। ये जो ना मालूम है हमको सब मालूम है, ये जो ना मालूम है हमको सब मालूम है। जैसी रात अंधारी रहंदी यार असांजी जारी रहंदी, जैसी रात अंधारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी। आकिब चांडियो के आजाद कयो, पीर शर के आजाद कयो, कयूब कांदड़ो के आजाद कयो, आकिब चांडियो के आजाद कयो, अलावदा उमर के आजाद कयो, फकीर एजाज गाओ के आजाद कयो, सिंधे कौमी कारकुनन के आजाद कयो, सिंधे कौमी कारकुनन के आजाद कयो। असा चा घुरऊ था आजादी, भाईजन जी घुरऊ था आजादी, अरे भेण घुरे थी आजादी, अरे माँ घुरे थी आजादी, भाईजन जी घुरऊ था आजादी, पढ़ लिखण जी घुरऊ था आजादी, पढ़ लिखण जी घुरऊ था आजादी, शागिर्द घुरन था आजादी, सरमद आजाद के आजाद, सरमद आजाद के आजाद, सरमद आजाद के आजाद, शागिर्दन के आजाद कयो, सच्चे शागिर्दन के आजाद कयो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, स्टूडेंट्स वांट जस्टिस, सरमद आजाद वांट जस्टिस, सरमद आजाद वांट जस्टिस। जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, देसी मारा मारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, देसी रात अंधारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी। सिंध जे क़ौमी कारकुनन खे आज़ाद कयो, सिंध जे सियासी कारकुनन खे आज़ाद कयो, नर्मद आज़ाद खे आज़ाद कयो, नर्मद आज़ाद खे आज़ाद कयो। शागिर्द घुरन था आजादी, उस्ताद घुरन था आजादी, हारी घुरन था आजादी, मजदूर घुरन था आजादी। आकिब चांडियो के आजाद कयो, सरमंद आजाद के आजाद कयो, शबीर शर के आजाद कयो, बशीर शर के आजाद कयो, अयूब कांदड़ो के आजाद कयो, नसीम बलोच के आजाद कयो, सिंधे कौमी कारकुनन के आजाद कयो, बलोच कौमी कारकुनन के आजाद कयो, सिंधे कौमी कारकुनन के आजाद कयो। जैसी रात अंधारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी, सिंधे कौमी कारकुनन खे आजाद कयो, सिंधे शऊर खे आजाद कयो, बशीर शर खे आजाद कयो, आकिब चांडियो खे आजाद कयो, गुलाम रसूल शर खे आजाद कयो, अलावदा उमर खे आजाद कयो, अयूब कांदड़ो खे आजाद कयो, अलावदा बत्ती खे आजाद कयो, शर खे आजाद कयो, 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 मजदूर घुरंता आजादी, शागिर्द घुरंता आजादी, हारी घुरंता आजादी, उस्ताद घुरंता आजादी, पर माँ घुरेती आजादी, पर भेण घुरेती आजादी, पर पीओ घुरे तो आजादी। जैसी रात अंधारी रहंदी जग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी जग असांजी जारी रहंदी। ये जो ना मालूम है हमको सब मालूम है, ये जो ना मालूम है हमको सब मालूम है। सिंधे कौमी कारकुनन खे आजाद कयो, सिंधे शऊर खे आजाद कयो, आकिब चांडियो खे आजाद कयो, बशीर शर खे आजाद कयो,
गुलाम रसूल शर्र के आजाद कयो लवदायो उमर के आजाद कयो सुहेल रजा भट्टी के आजाद कयो संजय कौमी कारकुनन के आजाद कयो जे कौमी शौर के आजाद कयो रोज कौमी कारकुनन के आजाद कयो कौमी की आजादी तू जो देश मु जो देश सिंधु देश सिंधु देश तू जो रे पर मु जो रे पर जीएम सैयद जीएम सैयद आजाद करो मेरान मिरानी के आजाद करो रसूल शर के आजाद करो चीर शर के आजाद करो साल मिरानी साल भट्टी के आजाद करो मेरा ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी जनरल बाजवा साहब के लिए है कि क्या हम सिंधी कौम बलोच कौम क्या हम पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं या हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है जो एक भारतीय दहशतगर्द कलोप्शन यादव के साथ भी ऐसा नहीं किया गया। आखिर ये क्या है दहशतगर्द हैं ये लड़के जिनको आप उठा कर ले जाते हो बारीकों में बंद कर देते हो कभी कहाँ जलाते हो कभी कभी कहाँ गर्म पानी डालते हो। मैं पाकिस्तानी आर्मी इदारों से ये पूछता हूँ MI GHQ ISI और इन सब से कि आप इतने ताकतवर होते हुए भी हम मजलूम आवाम के ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हो आखिर वजह क्या है। अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सूबाई तौर पे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अगर उन्होंने कहीं बम धमाके किए हैं अगर वो राय के हैं आप राय के जो लोग हैं उनको आप सरेआम एक सपोर्ट करते हो उनके लिए वकील आते हैं वर्ल्ड से दुनिया से और उनको एक मीडिया पे आप सरेआम उनको मंजर पे लाते हो और एक गरीब आवाम जो 500 रुपया कमा कर अपना एक खाने के लिए पेट पालते हैं और जिनके पास घर नहीं है और जो ये पाकिस्तान बनने से पहले जो वाहिद मुल्क था जो सिंध व हिंद खिलाता था उन सिंधियों के साथ ये जुल्म बंद करें। मैं जनरल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो कुछ कर रही है आपकी आर्मी आपकी रेंजर्स आपके इदारे हम इनसे नहीं डरते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं उनसे कि ये क्या वजह है कि आप किस लिए ये उठाते हो इन लड़कों को वजह क्या है। वो डाकू हैं
वो कहीं उन्होंने बम धमाके किए हैं, क्या किया है उन्होंने आखिर? आप जो बड़े दहशतगर्द हैं, जो अवाम का पैसा लूटते हैं अवाम को, इस पर आपने कभी उन पर नज़र की है? कभी आपने रोडों की हालत देखी है? कभी आपने स्कूल देखे हैं? कभी आपने कॉलेज देखे हैं? कभी आपने अस्पतालें देखी हैं? ये क्या चक्कर है, ये क्या तमाशा है? जनरल साहब, आप भी इस तरह खामोश बैठे हुए हो, क्या हम इंडिया चले जाएं, भारत चले जाएं, कहाँ जाएं, हम क्या करें, बताओ हमें। जनरल आप जवाब दो हमें, जवाब दो। नहीं डरते हैं हम आपसे, नहीं डरते हैं आपकी फौज से, नहीं डरते हैं आपके इदारों से। और आज मैं इन किसी को भी नहीं जानता, मैं इस मासूम बच्चे और इस मजलूम और ना जाने कितने मजलूम लड़कों के लिए सिर्फ आवाज़ उठा रहा हूँ कि जनरल साहब, खुदा के लिए, क्या ये पाकिस्तान है? क्या इमरान खान हम आपसे ये पूछते हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं? आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं? हर इदारे का आदमी रोज़ाना अखबार पढ़ता है। कभी जानी बलोच के वारसों को गुम कर दिया जाता है, कभी कहाँ से। आप इतने ताकतवर होते हुए भी उन मजलूम लड़कों को किस लिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले करो, हाई कोर्ट के हवाले करो? अगर वो दहशतगर्द हैं तो उन्हें सजा दो। हम कभी नहीं कहेंगे कि आपने गलत किया। खुदा के लिए बोलो जनरल साहब, हम कहाँ जाएं? सिंध छोड़कर इंडिया चले जाएं या हम यहीं रहें? फार्म बोजू बया जगह बीन वो अजोजद हले थी या सही गाल नौजवान के अगत अची सिंध की क्यादत करनी आ। पर इन वक्त यो मिसिंग पर्सन जो जो मसलो आ सजी दुनिया के यूएनओ के कायदन कानून के जिनके पाकिस्तान सयूं क्यों उनकी खिलाफ वर्दी आ, पाकिस्तान के पान आइन की खिलाफ वर्दी आ। जी रियासत पान पान आइन कानून के अमल नी कर तो शहर का असा का या उम्मीद न रखे तो उसे कानून उनके आइन से अमल कदा। मुझे उम्मीद आ जदोजहद जहाँ शुरू ये मू जो जो खबे अगवा थे सिंधी कौम के सिंधी मानून के मसल ला जदोजहद कन पा। हाँ खुद उन आज़ादी ला जदोजहद की वही है, यह मजबूत जदोजहद हेतु आमीदा जदोजहद हाँ नरगो इन अहमद अली शाह की आज़ादी तई नरगो खंबे गुमकल मानून की आज़ादी तई। पर सिंध के उन मसल के लिए जिते या जदोजहद शुरू थी तेस तई या जारी रही। नौजवान पाँ भरपूर किरदार अदा कौ तहबानी। सरमद आज़ाद की आज़ादी के लिए एहतजाज में शरीक थे आयो। ही का नई गाल ना है, ही दोस्त असो को पेरों भेरों ना ही खंबे गुम कर वो। इन का अग भी केतरा ही असा शागिर्द नौजवान असाजा केतरा ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंध में खंबे गुम क्या वह इंतहाई शर्मिंदगी की गाल वक्त ती किस्म की का दाग बुधी को पी वे अस यार वाजिद असें एक साइड कर तुम तो असा वो असर किया जो गुलाम से भी ना कहीं असा मू खी गुम कर पाया घर में थोड़ो खड़को थे तो उन दोस्तन जो मारू भेनरू ईसा अची वन थी तो मत बो को नौजवान असा घर खड़ी गुम कर छे। ये रियासत आखिर चाहे थी, ये आखिर कदें असा दोस्तन के रिलीफ दींदा, कदें असा साथियों के पुरमन ए जमहूरी तौर से सियासत करा? या तुम सियासत चाहो ना विथड्रॉ कर छो सियासतदान के सूल से चाड़े छो या असि तंजीम के मुकम्मल खत्म कर छो। असमन जदोजहद करण जो पूरा पूरा हक है, असा आइनी हक है। असी आवाज़ पुरमन तरीके से उतारू था, असाजा नौजवान पुरमन तरीके से शहर में अचन था पाया, सियासत कन था, पढ़न था, लिखन था। उन्होंने नो यो है तो मिसिंग पर्सन के लिए जिते सरमद मेजबान थे तो तुम उनके खड़ी गुम कर छोड़ो था। आखिर ये केतरे तई हलो तुम जबर है जुल्म?
तारीख़ के सुफ़न से तारीख़ के सुफ़न से ही तो जबर लिखजन वे तो याद रखी छो मजलूम कौमुन की जहाँ जदोजहद होंगी मजलूम कौमुन जो जो इंतकाम हों वो भी निरालो हों वो भी शानदार हों असी डिमांड क्यों था मुतालबो क्यों था असि रियासत का मुतालबो क्यों था असा खंबे गुम कल जो कौमी कारकुन शागिर्द अगवान उन्होंने फौरी तौर से आजाद उन्होंने मता जो जुर्म साबित थे तो या को दो थे तो उन्होंने अदालत में आणो प्रूफ दियो सबूत दियो दलील दियो दोस्त गालियों घणी थी अस मसलियत पसंदी जो शिकार था थे मौके परस्ती जो मुजाहरों क्यों सिंध से जो थियण हो अंग्रेज की गुलामी इन कारे की गुलामी में रात ढीह जो फर्क है जेडी मल अंग्रेज हुयासीं 100 साल गुलाम हुयासीं उन्होंने असि वहदत से न उचायो सिंधु दरिया से न उचायो अस वसीलन से न उचायो अस बोली से न उचायो पर इन पाकिस्तान ठहे का बोली खत्म सिंधु दरिया से 12 डेम अड़जी वो थी यो आखिरी कब्जो पंजाबन के पबे पंजो सूबो पाकिस्तान में पंजाब जो सिंध में ठही चुको सुपर हाईवे जा बई पासा शौर की अलामत कौमी कारकुन हाँ उन्होंने जो वो वारो यो सियासी कारकुन के समाजी कारकुन के शौरमंद मानू के हाईजेक क्यों अगवा क्यों जो आवाज बुलंद न कन साईं जीएमसी जो नजरियो गर्दिश करे तो सिंध जो कौमी तहरीकू अल काड़े रही थी वहीं कि फोरम था कम कन खुदरू दोस्त कम था कन उन मथा सियासी जिम्मेवारी ना है ही जो कारकुन कौमी तहरीकों से लागापियल ना पंजाबी तुम कड़ी गाल कद हि तो कायनात या बेगर्द कौम है सही अताला जा बुखारी फारसी में कौल चो फिरंगी राम के अस्त पंजाब जमीन है जलालतरा पैगम्बर अस्त पंजाब के शैतान पेच पाच सदा रेदे अस्त पंजाब यानी अंग्रेज के तहफ़ लश्कर पंजाब है पंजाब आई उधरती है जो इन फितन के जणे थी निभाए थी शैतान भी इन सजदा तो करता मुझा भी वो अताला शाह बुखारी तक खबर है केर हो ऐशा खंड जो वो अजीम इनकलाबी अगवान हो जो सवालक हदीस जो जानू हो जे आजादी की तहरीक में उबैदुल्ला सिंधी साईं अताला जा बुखारी मथे से पगड़ी न पाती तो असि गुलाम हूँ अस पटको कड़ो पायूँ ये उनकी फतवा है पंजाबी ला ही महात्मा गांधी जा कातुल ही इंदिरा जा कातुल ही भुट्टे जा कातुल हि बशीर खान जा कातिल हि मुजफ्फर जा कातिल हि सराय कुर्बान जा कातिल हि ज़ुल्फ़िकार खोलाजी जा कातिल हि असो बलोचन जा कातिल हाँ चाचे तेठा।